नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सिरसा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान संतोष बेनीवाल ने सरकार व संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समय रहते यदि घग्गर नदी व रंगोई नाले की सफाई की होती तो आज हजारों एकड़ फसल बर्बाद नहीं होती और ना ही लोगों को घरों से बेघर होना पड़ता। संतोष बेनीवाल ने कहा कि हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, जिसके कारण दर्जनों गांव के लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है और उन्हें खतरा बना हुआ है कि कभी भी ड्रेन टूट सकती है। मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि निरंकुश शासन की वजह से आज प्रदेश के ये हालात बने हुए हैं कि पहली बार आधा प्रदेश बाढ़ की चपेट में है। यह बता दें कि संतोष बेनीवाल ने आज एलनाबाद, रानिया और सिरसा हलके के करीब 2 दर्जन बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा किया। इस दौरान सरपंच एसोसिएशन की तरफ से दर्जनों सरपंचों ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक ज्ञापन भी सौंपा और क्षेत्र व सरपंचों की मांग को विधानसभा में उठाने की अपील की। सारी जो सरकार की करी कराई है जो भी है, क्योंकि आज हम यहाँ रंगोई के बैठे हैं तो ये जगह जगह से पीछे से टूटा हुआ है, बार बार टूटा है, तो ये सरकार की कमियां रही है। क्योंकि इसका जब टेंडर पास हुआ था 2 करोड़ कुछ समथिंग टेंडर था, तो वो सारा कुछ इस पे लगा देते तो आज जो ये परिस्थिति आई है ये ना होती। और जो हमारे, मैं तो कहती हूँ कि हमारे सरपंच भाई हैं और जो किसान हैं वो सरपंचों का साथ दे के और ये सारा कुछ बांध बनवाने का काम किया है। मैं इनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमारा भाईचारा है वो बना के इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है। इसलिए पंचायतों के पास आज के दिन पैसा नहीं है और जो भी पंचायतों के हक हैं वो सरकार ने छीन लिए और सारा कुछ है वो सरकार की करी कराई जो है राजनीति जो कर रही है, परेशान सरपंचों को परेशान कर रही है और आमजन को परेशान करने का काम कर रही है। तो ये तो सारी गलत बात है, कोई जो सरपंच है उनके पास कोई फंड नहीं है और आज जो सरपंच लगा रहे हैं वो अपने जेब से लगा रहे हैं। कुछ एक यहाँ पे जैसे ठेकेदार आ रहे हैं वो फोटो वगैरह खींच के और लेके जा रहे हैं। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि कहीं भी सरकार उनके बिल पास करती है तो सरकार खुद जिम्मेवार होगी, क्योंकि जो आज ये मेहनत है वो एक सरपंच की और एक आम नागरिक की मेहनत है और आम नागरिक भी अपनी जेब से और सरपंच भी कर रहा है, कोई नहीं।